Students, let's continue our exercise 10.2. We will do today word problems. Question number 5. Namita went to a stationery shop and bought a notebook for ₹120.85 and a pen for ₹92.52. How much did she pay in all? So Namita ek stationery shop par jaati hai and wo notebook kitne rupees ki lati hai? ₹120.85. To pehle hum likh denge कॉस्ट ऑफ नोटबुक. नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? नोटबुक कितने रुपीज की है? ₹120 एंड हाउ मेनी पैसे? 85. ओके, नाउ एंड अ पेन फॉर ₹92.50. और एक पेन लाती है वो शॉप से. कॉस्ट ऑफ पेन. मेक श्योर यू मेक स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट होना आपका जरूरी है. ठीक है, ₹92.50. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग? हाउ मच डिड शी पे इन ऑल? हमें टोटल मनी बताना है कि उसने कितने रुपीज टोटल दिए शॉपकीपर को. सो वी विल राइट टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ नोटबुक एंड पेन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे. मीन्स ₹120.85 प्लस ₹92.50. हम दोनों को ऐड कर लेंगे. ओके, नाउ फॉर एडिशन वी विल मेक टू कॉलम्स, रुपीज एंड पैसे. टू कॉलम्स हो गए. पहले रुपीज कितने? 120 डॉट पैसे कितने? 85. देन रुपीज कितने? 92 एंड पैसे कितने? 50. एडिशन साइन 5 + 0 = 5, 8 + 5 = 13. 3 है, 1 एज अ कैरी ओवर. 2 + 1 = 3 डॉट ओवर है. 2 + 9 = 11, 1 कैरी ओवर. 1 + 1 = 2. सो टोटल मनी पेड बाय नमिता इज ₹213.35. Understood? Now come to question number 6. Mohan had ₹900. He spent ₹525.50 in a bakery shop to buy cake. How much is left with him? Mohan ke paas total rupees kitne the? 900. Wo ek bakery shop pe jata hai. Wahan se wo kya leta hai? Cake. Cake kitne rupees ka hai? ₹525 and how many paise? 50 paise. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 900 में से कितने रुपीज उसके पास बचे हैं. वी हैव टू फाइंड इट. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना लेंगे. अमाउंट मोहन हैड. हाउ मच अमाउंट? टोटल अमाउंट मोहन हैड ₹900. ठीक है, 00 पैसे. अब उसने स्पेंड कितने कर लिए? कितने उसने यूज कर लिए उन पैसों में से? अमाउंट ही स्पेंड इज ₹525.50. नाउ वी हैव टू टेल दैट हाउ मच इज लेफ्ट. सो अमाउंट लेफ्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. सो हम 900 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 525.50. ठीक है, वी हैव लर्न सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले हम रुपीज और पैसे के दो कॉलम बनाएंगे. 900 रुपीज है एंड पैसे 00. देन 525 रुपीज है एंड पैसे 50. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. 0 - 0 = 0. 0 इज स्मॉलर देन 5. 0 छोटा है तो हम यहाँ से क्या बोरो करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 10. 10 - 5 = 5. यहाँ हमारा 9 रह गया. 9 - 5 = 4. यहाँ भी हमारा 9 रह गया. 9 - 2 = 7 एंड हियर वी हैव 8, क्योंकि यहाँ से सब बोरो हुआ है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 था. तो 8 - 5 = 3. सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ मोहन? ₹374.50. ओके, डन.